नमस्कार, मैं हूं निहारिका सिंह नगर और आप देख रहे हैं आवाज न्यूज, जिसमें आज हम आपको दिखा रहे हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी अनोखी खबर। क्योंकि इस खबर को अनोखी हम इसीलिए बोल रहे हैं कि चुनाव में प्रत्याशी तो बहुत लड़ रहे हैं, लेकिन शमशान घाट पर चुनाव कार्यालय खोलकर अपना चुनाव अर्थी पर बैठकर प्रचार करते हुए प्रत्याशी को आज आपने पहली बार देखा होगा। जी हाँ, अर्थी वाले बाबा जिनका कहना है और करना क्या है उसे आप भी देखिए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में लोकसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। यहां से फिल्मी कलाकार रवि किशन और काजल निषाद पहले से चुनाव मैदान में हैं, लेकिन इसी बीच एक अनोखा प्रत्याशी अर्थी बाबा ने चुनाव मैदान में ताल ठोक दिया है। राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा ने अपना चुनाव कार्यालय राप्ती नदी तट पर शमशान घाट पर खोल रखा है। राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा के नाम वाला यह शख्स पिछले कई वर्षों से अपने चर्चित कारनामों से सुर्खियों में रहता है। यह प्रत्याशी प्रधान से लेकर लोकसभा तक सभी पदों पर इससे पहले चुनाव लड़ चुका है, तो 2009 में सीएम योगी के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुका है, जहां एक बार फिर इस लोकसभा चुनाव में इसने सबसे अलग हटकर कारनामा किया है। योग्यता में यह प्रत्याशी एमबीए है। राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा का कहना है कि शमशान घाट ही उसका कार्यालय होगा। यहाँ आने वाले लोगों से एक एक रुपये सहयोग लेकर ही वह अपने चुनाव का खर्च चलाएगा। जो आत्माएं होंगी वही उसकी एजेंट होंगी। फिल्मी कलाकार रवि किशन और काजल निषाद के चुनाव लड़ने पर अर्थी बाबा ने कहा, गोरखपुर की धरती पर कोई बाहरी और नाचने गाने वाले लोग चुनाव लड़कर जीते, यह गोरखपुर के लिए ठीक नहीं है बल्कि शर्मनाक है। यहाँ उस व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए जीतना चाहिए जो यहाँ की समस्याओं के बारे में जानता हो। मुझे भले भी अभी तक गोरखपुर की जनता नहीं जिताया, लेकिन शमशान घाट से मैंने कई आंदोलन किए, इसका नतीजा है कि गोरखपुर में एम्स बना। इसी के साथ अर्थी बाबा ने सांसदों को भ्रष्टाचारी बताते हुए मुद्दों पर सदन में सवाल नहीं करने वाला भी बताया और ये बोला कि ये सब एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। करेगा यह एम्स बन गया, उसमें कोई सुविधाएं नहीं है। अभी इसी मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल भ्रष्ट है, जिनको मैंने जेल भिजवाया, जेल काट रहे हैं। जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं आप लोग आइए, उनको ना जेल भेजा तो मैं, मेरा नाम नहीं, मैं उनके खिलाफ आंदोलन करता हूँ। आप लोग बस साथ खड़ा रहिए, ऐसे ही ईमानदार आदमी को चुनिए जो आपकी बात उठाए। ये लोग सदन में जा रहे हैं, क्या ये पिक्चर बनाने जा रहे हैं? ये क्या देश का ये सदन ये पिक्चर हो गया है? अब आपका नेता बनना जाना चाहिए। राम राम सत्य है, क्या बाबा? राम राम सत्य है, सारे बोलो जाता है। ये फालतू वाली बात कहीं ना इसमें कार है रवि किशन जी, और कलाकार में नाम काजल निषाद जी का भी है। तो ये लोग गोरखपुर में कभी रहे नहीं हैं, ये मुंबई में रहे हैं, ये भी गुजरात में इनकी पहचान है, सीरियल की एक्टर रही हैं, यही सब लोग जानते हैं। गोरखपुर में क्या कोई माई का लाल नेता अब ऐसा नहीं रह गया कि अब कलाकारों के भरोसे गोरखपुर रहेगा? जो सीएम सिटी है, मैं 2007 से इतना संघर्ष करते आया हूँ और ये कलाकारों के भरोसे ये छोड़ दिया जा रहा है गोरखपुर को, तो गोरखपुर की सबसे बड़ी बेइज्जती होगी अगर इन दोनों में से कोई चुनाव में वोट को जीत के जाता है। क्योंकि हमारे आम जनता पे ये बदनामी होगी कि क्या कोई नेता नहीं पैदा हुआ गोरखपुर में, किया कलाकार अब गोरखपुर को संभालेंगे? जो गोरखपुर को पूरा विश्व जानता है, जिस समय जो मुख्यमंत्री जिसने उन्हें दिया है। तो देखिए, मैं इसी घाट में बैठ के एम्स की लड़ाई लड़ा, एम्स में इनका कहीं नामो निशान नहीं, दोनों ये जो लड़ रहे हैं, और यही पक्का घाट जो बना है, यही माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, मैं एम्स का जब अनशन कर रहा था तो उनसे कहा एक पक्का घाट बनवा दीजिए। आप लोकतंत्र का जनाजा निकल चुका है, क्योंकि भ्रष्ट नेताओं ने आम जनता का कोई सुनते नहीं है, ये भ्रष्ट नेताओं का जनाजा है, ये भ्रष्ट व्यवस्था की जनाजा है, और ये भ्रष्ट सदन का जनाजा है, क्योंकि सदन में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जाता, कोई भी सांसद ऐसा काम नहीं जनता के पक्ष में बोलता है कि क्योंकि वो अपनी बातें करता है, एक दूसरे की विरोध करने पे बस लगा रहता है। वही का प्रतीक ये हमारा शमशान घाट है, हमारा कार्यालय है, और वही जनाजा हमारा अर्थी है इनके भ्रष्टाचार का। पराजय के बाद ही जय आता है हमेशा। देखिए, हारने वाला ही एक दिन जीतता है। मैं इसलिए जीतूंगा क्योंकि ये भ्रष्टाचारी जितने नेता हैं अब धीरे धीरे हम जनता के दिल से निकलते जा रहे हैं, इसलिए मेरी जीत तब होगी। क्योंकि मैं बुद्ध को ज्वाइन किया हूँ, बुद्ध को ज्वाइन का मतलब बुद्धि को ज्वाइन किया, और ये अनपढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं बुद्धि की तरफ बढ़ रहा हूँ। जैसे सोनिया जी के लड़के हैं वो बुद्धिज्म ज्वाइन नहीं किए, मुलायम सिंह के लड़के जो हैं अखिलेश यादव जी वो भी बुद्ध को नहीं ज्वाइन किए, लालू यादव के लड़के तेजस्वी हैं वो भी बुद्ध को ज्वाइन नहीं किए,
क्या ये बाबा साहब से बड़े नेता हैं? जब बाबा साहब ने बुद्ध को ज्वाइन किया तो ये नेता क्यों नहीं ज्वाइन किए? ये जीवन भर ये विपक्ष नेता अब हमेशा हारेंगे। अभी जब तक ये मोदी जीतते रहेंगे, जब तक ये विपक्ष बुद्धिज्म को नहीं ज्वाइन करेंगे, आज जिस दिन बुद्धिज्म को ज्वाइन करेंगे, मेरे अनुयायी में जब चुनाव फिर प्रधानमंत्री का लड़ेंगे, तभी 2029 में चुनाव ये जीत सकते हैं।